हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, बिहार जीके का हमारा सीरीज आ रहा है एमसीक्यूज का, और ये हमारा पार्ट फोर है। इससे पहले मैं तीन पार्ट आप लोगों को करा चुका हूँ। ये आपके 67th बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ और जितने एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम तो अभी हाल ही में संपन्न भी हो गया, लेकिन 67th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करेंगे सेशन को। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके पीडीएफ और सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको डेली करंट अफेयर भी वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग या नव प्रस्तर युग, बताइए। सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, इसे शेयर कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्ते। देखिए बाबू, जो भी स्टूडेंट अगर ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, नौ प्रस्तर युग। बिहार में चिरांद एवं चेचर से नौ प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौ प्रस्तर काल 4000 ईसा पूर्व के बाद का काल रहा है, ठीक है, 4000 ईसा पूर्व के बाद, 4000 ईसा पूर्व के बाद का काल रहा है। और इस काल में पॉलिशदार पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जो पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं उन पत्थरों पे पॉलिश किए हुए हैं, तो इस टाइप के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें पत्थर और सूक्ष्म औजार, हड्डी के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। ये नौ प्रस्तर युग के ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, सॉरी, पूर्व प्रस्तर युग के मुंगेर से पाए गए हैं, जबकि नौ प्रस्तर युग के चिरांद और चेचर से प्राप्त हुए हैं। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लोगों से यह भी पूछा जाता है कि भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को ये उपाधि दी गई है? तो देखिए बाबू, इसका सही आंसर होगा यूनानियों से, ठीक है, यूनानियों से। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शासक बनाया था। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके और शासक बनता है। चाणक्य के मुख्य रूप से दो तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि नंदवंश का विनाश कर देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि घनानंद ने उनको एक तरह से कहे तो बेइज्जती की थी, सभा में बेइज्जती की थी इस कारण से। दूसरा कारण ये था कि वहाँ की जो जनता थी वो चाहती थी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स लगाया गया था नंदवंश के द्वारा, तो वहाँ की जनता चाहती थी कि कोई नया शासक आए, कोई नया वंश आए जो हम लोगों के लिए काम करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता थी वो भी नहीं चाहती थी कि नंदवंश के कोई शासक रहें। एक और कारण ये था कि यूनानियों का, विदेशियों का वर्चस्व कहीं ना कहीं इनके समय में बढ़ता दिख रहा था, तो विदेशियों को यहाँ से भगाना था, ठीक है, विदेशी, जो विदेशी थे उनको यहाँ से भगाना था। तो इन सब कारणों से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे? बताइए। मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बाबू, मगध तथा विदेह, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका था? मगध पर किसका शासन था?
सातवाहनों का, लिच्छवियों का, कैदियों का या वत्सों का? देखिए बाबू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिच्छवियों का। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद संभवतः मगध पर लिच्छवियों का ही शासन माना जाता है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि मगध पर शक शासकों का नियंत्रण हो गया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? बताइए, अंग एवं मगध, विदेह एवं शाक्य, अंग एवं विदेह, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा अंग एवं मगध। अंग एवं मगध। कलिंग के राजा थे खारवेल, इन्होंने 12वें वर्ष में मगध नरेश को हरा करके, और खारवेल शासक की अधीनता जो है वो मगध नरेश ने स्वीकार कर ली थी, और इससे काफी ज्यादा संपत्ति और कलिंग की जिन प्रतिमा उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। ठीक है, किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? बताइए बाबू, बलबन, बाबर, इल्तुतमिश, अकबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने हसमुद्दीन इवाज खिलजी को मार डाला और बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका सही आंसर होगा जगदेव, जगदेव। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? इसका सही आंसर होगा 1234 ईस्वी में। ठीक है, 1234 ईस्वी में नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ये आया था। मुकर्रब खान को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? मुकर्रब खान को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? सोलह सौ अठारह ईस्वी में, सोलह सौ उन्नीस में, सोलह सौ बीस में या सोलह सौ इक्कीस में? बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। नंबर 10, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11, अंबिका कांत सिंह पटना में 16 अप्रैल 1930 को
16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नखासपिंड से स्थान पर नमक कानून को भंग करना था, और पटना में जगह है नखासपिंड, ठीक है। कहीं कहीं पे नरवासपिंड भी मिलता है, नखासपिंड भी मिलता है। पटना में यही जगह को चुना गया था कि यहाँ पर हम नमक बना करके नमकीन मिट्टी से और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में एक जुलूस जो है वो इस ओर बढ़ा था, सत्याग्रहियों का जत्था जो है इस ओर चला था। लेकिन महेंद्रू एक जगह है पटना में बाबू, ठीक है, महेंद्रू, महेंद्रू के पास ही इनके जुलूस को एक तरह से कहें तो रोक दिया गया था, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी भी इसी में गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी इनको भी गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चंद्रकांत सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, राय पूरन चंद, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। राय पूरन चंद। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? क्वेश्चन नंबर 13, 1760 में, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय अली गौहर ने 1769-60 में, ठीक है, बिहार पर चढ़ाई की थी, क्लाइव ने इसे विफल कर दिया था। 1760 में पुनः चढ़ाई करता है और पटना को घेर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी इसको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। 1761 ईस्वी में उसका बिहार अभियान असफल रहा, ठीक है। किस वर्ष शाहजहां ने अपने विश्वस्त अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, ठीक है। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 15, 1763 होगा, जलाल खां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? इससे पहले राष्ट्रपति पद से पहले ये किस पद पर थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए बाबू, पटना नगर पालिका के ये चेयरमैन थे। 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत इन्होंने शुरू की थी, ठीक है। 1911 में कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत शुरुआत की थी, ठीक है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद राजेंद्र प्रसाद, 1916 में जैसा कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद पटना में आ गए थे और पटना नगर पालिका के चेयरमैन इनको बनाया गया था, ठीक है। 1946 में जैसा कि आपको पता है कि नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है, खाद्य और कृषि मंत्री। बिहार में गया षड्यंत्र के केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? बिहार में
गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसका आंसर होगा जनवरी 1933 में, ठीक है, जनवरी 1933 में इस घटना में पुलिस को गया जिले के अनेक स्थानों से बम बनाने की सामग्री मिली थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब आरंभ हुआ? बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा फरवरी 1919 में, ठीक है, फरवरी 1919 में। इस दमनकारी कानून जिसे राष्ट्रवादी ने काला कानून कहा था, या गांधी जी ने इसको छेड़ा था आंदोलन को, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुआ था छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, इन सब क्षेत्रों में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 20, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बिहार में 1866-67 के नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21, कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो 1866-67 में नील खेतिहरों का विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, बताइए। इसका आंसर होगा लाल सरैया कोठी, ठीक है, लाल सरैया कोठी में पहला विद्रोह हुआ था। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या हो चुका था? क्वेश्चन नंबर 22, तिरहुत, ठीक है, तिरहुत के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका। इसी के फलस्वरूप 30 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया था 30 जुलाई को, 30 जुलाई 1857 को तिरहुत, सारण, इन सब क्षेत्रों में सैनिक प्रशासन लागू कर दिया गया था, सैनिक लिखा है, शासन लागू किया गया था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, मार्शल ला उसको बोलते हैं, सैनिक शासन, मार्शल ला। 33, आंसर होगा शेरशाह और नूहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। शिव का एक प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसको बोलते हैं गुप्त धाम, पहाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये कैमूर की पहाड़ी में है बाबू, ठीक है, और एक प्राकृतिक गुफा है और इसी में शिवलिंग का निर्माण हुआ है, गुप्तेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लोग जाते हैं पूजा वूजा करने, रात्रि में मेला भी लगता है।
काट किस प्रकार के अस्त्राकृति को हाँ कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, सपाट चोटी के पठार को है ना पाट कहा जाता है, पाट ने पाट पाट अस्त्राकृति। बिहार के किस जिले में लाल बालुकायुक्त मिट्टी मुख्य रूप से मिलती है? लाल बालुकायुक्त मिट्टी मुख्य रूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत कैमूर और रोहतास, ठीक है, कैमूर और रोहतास। बिहार की कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अपवाह आयताकार अपवाह प्रणाली है बाबू, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। आयताकार अपवाह प्रणाली है ना। इस नदी का उद्गम हिमालय पर्वत में गोसाई धाम से होता है, गोसाई थान, गोसाई थान से। देखिए कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। हेलो, हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर के आती है। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में स्थान है। बिहार का भारत में कौन सा स्थान है यह पूछा जा रहा है, बताइए। ठीक क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा थर्ड, ठीक है, तृतीय स्थान है। पहले पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और तीसरे पर है हमारा बिहार, चौथे पर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फलों के राष्ट्रीय उत्पाद में बिहार राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 29, फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट। बिहार के पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है?
क्वेश्चन नंबर 30, पंद्रहवां, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31, धारवाड़ कालीन क्वार्ट्जाइट, ठीक है। यह नबीनगर और मोराटाल से मुंगेर तक क्वार्ट्जाइटिक चट्टान सुकर पीठ के रूप में विकसित है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, कैसे आंसर होगा? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये सभी है ना, ऑप्शन डी। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, दोनों, रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, ये दोनों इसका सही आंसर होगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? 34, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, ठीक है। बिहार के उत्तर उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किस ओर है? उत्तर से किस ओर है ढाल? उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्वी भाग में कहा जा रहा है। देखिए बाबू, क्वेश्चन ये गंगा नदी है, तो कहा जा रहा है कि उत्तर और पूर्वी भाग, ये वाला भाग, तो इधर से हमें पता है कि ऐसे तो ये बह रही है कोसी नदी, है ना, महानंदा नदी ऐसे बह रही है, तो ये किस ओर ढाल है ये पूछा जा रहा है, तो ढाल दक्षिण की ओर है, ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल है, नहीं तो नदी इस दिशा में बहती ही नहीं, नीचे दक्षिण की ओर। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। नंबर 36, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। 36, देखिए इसका सही आंसर होगा, दोनों, गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा है ना, इसमें यह है उत्तर, नॉर्थ का मैदान, और यह है साउथ का मैदान, ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 37, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, ठीक है। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है? 38, बांका, जमुई, मुंगेर, सभी। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कोप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? 39, दियारा। बिहार राज्य में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? अधिक है ना, अधिक है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको?
क्वेश्चन नंबर 41, जरूर। बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? अठारह सौ 4.60 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में बिहार राज्य में देश का कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है, मतलब कि खनिज भंडार कितना है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 1936 में उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से, तो ये खनिज और लेकर के चला गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया, ठीक है, झारखंड अलग हो गया, फिर ये लेकर के चला गया। यहाँ बचा क्या? कुछ भी नहीं, 1% मात्र है, मात्र 1%। बिहार को कहाँ से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, कहाँ से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? देखिए, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। बिहार राज्य के गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि 45 इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता गंगा के उत्तरी मैदान में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है। यह मिट्टी मटियार और हल्के भूरे रंग की होती है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। बिहार राज्य के वनस्पति में कौन शामिल नहीं है? 48 सदाबहार वन। बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? सर्वाधिक महत्व है बाबू, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह है गंगा नदी। बहुत सारी नदियां यहां पर, जो भी नदी देख रहे हैं, मैक्सिमम नदियां जो है वो गंगा में ही जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो गंगा प्रमुख नदी है बिहार की, ठीक है। बिहार राज्य के दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नंबर 50 नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखिए बाबू, जलोढ़ मिट्टी की जहां तक बात आती है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण, ठीक है। नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ में बस अंतर इतना है, देखिए एक मैं स्लाइड लेता हूं। जैसे ये नदी बह रही है, इस नदी में बाढ़ आई, तो बाढ़ का मतलब होता है कि पानी बाहर आ गया, है ना। जितना इसका एरिया है बहने का, उससे पानी बाहर आ जाता है, मैदान में आ जाता है, ठीक है, और इधर मैदान को डुबा लेता है, उसी को हम बाढ़ बोलते हैं। कभी कभी बाढ़ इतना ज्यादा आता है, इतना भारी भरकम बाढ़ होता है कि ये पानी मान लिया कि यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक पानी पहुंचाया, इतना भारी भरकम बाढ़ था। लेकिन हर वर्ष इस टाइप का बाढ़ नहीं आता है, कभी कभी आता है ज्यादा अगर हुआ तो। नहीं तो बाढ़ अगर किसी नदी में आ रहा है, जैसे कोसी नदी, तो हर वर्ष बाढ़ लाती ही है, तो इतना क्षेत्र जो है वो कवर कर लेता है बाढ़ से, इतने क्षेत्र को ये डुबा लेता है। कभी कभी अगर ज्यादा बाढ़ आया तो यहां तक पानी पहुंच गया। अब इस बाढ़ में होता क्या है कि नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर के आती है, ठीक है, मिट्टी बालू ये सब जो अपने साथ लेकर के आती है, इस पानी के साथ, बाढ़ के पानी के साथ ये सब बालू ये सब मिट्टी ये जो है इधर ही आ जाते हैं, अवसाद इधर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं निक्षेपण। और ये पानी जब सूखता है तो मिट्टी बाहर ही रह जाते हैं, पानी सूख जाता है। ये जो मिट्टी होती है इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी को भी हमने दो भागों में बांटा है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको बोलेंगे? अब देखिए बाबू, यहां तो हर साल पानी आ रहा है और हर साल नई नई मिट्टी का निर्माण हो रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा बाढ़ आ जा रहा है कि यहां तक पानी पहुंच जा रहा है, हर साल नहीं पहुंच रहा है, कभी कभी यहां पहुंच रहा है,
तो यहां पर भी तो मिट्टी आ रही है, यहां पर भी मिट्टी का निर्माण हो रहा है, लेकिन हर साल नहीं, तो कभी कभी 10 साल 20 साल में ऐसा हो रहा है, तो यहां की जो मिट्टी होगी उसको बोल देंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी पुरानी हो जाती है, इसलिए तो इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री में भी और प्लस में भी मिल रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। और आपको करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद BPSC कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टेबल के लिए, SI के लिए और हेडमास्टर के लिए, सबके लिए मिल रहा है। बिहार SI प्रीलिम्स प्लस फुल एंड टेस्ट भी आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग जरूर आइए। प्लस के फीचर हैं कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, आंसर राइटिंग मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। बिहार प्लस का एक नया कैटेगरी बनाया गया है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा बैच कोर्स है। और आपको बता दूं कि प्राइस हमारा बढ़ने वाला है, यहाँ पे बिहार पुलिस में 10%, जबकि BPSC कैटेगरी में 15% का, 15% का प्राइज हमारा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। विजय BPSC हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ये शुरू हो चुका है 25 मई से, इसमें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, बिहार जी के पूरे डिटेल्स में आप लोग जरूर इसमें भाग लीजिए। और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो प्री मेंस SI CDPO सभी एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपसे सब्सक्रिप्शन में या फ्री क्लास में कोड पूछे, बस लिख देना है आप लोगों को ABH10 Live, ठीक है, ABH10 Live लिखिएगा, बिल्कुल फ्री में क्लास अनलॉक भी हो जाएगा, फ्री क्लास, और 10% का इससे डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।